अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम सोशल स्टडीज़ का यूनिट नंबर 1 उसकी रीडिंग करेंगे और उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स की तरफ मूव करते हैं, आइए बोर्ड की तरफ देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, इसको आपने 2 टाइम रीड करना है, ठीक है, और इसको 2 टाइम आपने अपनी नोटबुक पर राइट भी करना है, नीट एंड क्लीन करेंगे। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास, नंबर 1 इज वेयरिंग। क्या वर्ड है? वेयरिंग। नंबर 2 इज होल्डिंग। क्या वर्ड है ये? शाबाश, होल्डिंग। नंबर 3 इज क्रीसेंट। नंबर 3 इज क्रीसेंट। नंबर 4 पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। नेक्स्ट प्रोग्रेस। क्या वर्ड है स्टूडेंट्स ये? प्रोग्रेस। नेक्स्ट वर्ड इज प्राइड। नेक्स्ट वर्ड इज प्राइड। नंबर 7 वर्ड इज प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी। नंबर 8 इज करेंसी, करेंसी। पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट। नेक्स्ट वर्ड इज वैल्यूज, वैल्यूज। नेक्स्ट वर्ड इज लैंग्वेज, लैंग्वेज। नेक्स्ट वर्ड एंड लास्ट वर्ड इज रुपी, रुपी। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, अब हम लेसन नंबर 1 की रेटिंग की तरह मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 1 में हमारे पास लेसन नंबर 1 स्टार्ट होता है, दैट इज़ वी आर स्पेशल। वी आर स्पेशल, हम किस तरह से स्पेशल हैं, किस तरह से ख़ास कंसीडर होते हैं। स्टूडेंट्स, हम अपनी कंट्रीज़ के थ्रू जो है वो ख़ास कंसीडर होते हैं। हमें जैसे एक इंसान को दूर से देखते ही पता चल जाता है कि ये किस कैटेगरी का है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमारा जो कंट्री है, हमारी कंट्री जो है वो है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में हम जो हैं, हम लोग पाकिस्तानी कंसीडर होते हैं। और पाकिस्तान में नेशनल ड्रेस, नेशनल ड्रेस, नेशनल लैंग्वेज एंड अदर थिंग्स जो हैं वो बहुत मैटर करती हैं, और इन्हीं चीज़ों से पता चलता है कि हम किस कंट्री से रिलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने इस लेसन में पाकिस्तान की नेशनल चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि पाकिस्तान में की नेशनल चीज़ें कौन कौन सी हैं, ठीक है। सो कम स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास है द चिल्ड्रन इन बोथ पिक्चर। सबसे पहले ये दोनों पिक्चर्स जो हमें दिखाई गई हैं, इनको अगर आप देखें तो इसमें दोनों पिक्चर्स में बच्चों ने, दोनों पिक्चर्स में चिल्ड्रन्स हैं और उन्होंने डिफरेंट ड्रेसेस यूज़ किए हुए हैं, और इन दोनों के पास, इन दोनों पिक्चर्स में बच्चों के पास डिफरेंट फ्लैग्स हैं। एक पिक्चर में, इस पिक्चर में हमारे पास कौन सा फ्लैग पकड़ा हुआ है बच्चों ने? ग्रीन एंड वाइट कलर में, मींस पाकिस्तानी फ्लैग पकड़ा हुआ है उन्होंने। हमें पता है कि पाकिस्तानी फ्लैग में 2 कलर्स होते हैं, दैट इज़ ग्रीन एंड वाइट। ग्रीन कलर जो है वो मुस्लिम्स के लिए यूज़ होता है, मुस्लिम के को शो करवाने के लिए होता है, और नॉन मुस्लिम के लिए वाइट कलर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह से अगर हम दूसरी पिक्चर में देखें तो दूसरी पिक्चर में बच्चों ने ड्रेसेस भी चेंज पहने हुए हैं और फ्लैग भी, उनके फ्लैग का कलर है रेड। तो ये आपको बच्चे किस कंट्री से रिलेट लग रहे हैं? चाइनीज़। ये बच्चे आपको चाइनीज़ लग रहे हैं, तो इट मीन्स ये चाइना से रिलेट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। द चिल्ड्रन इन बोथ पिक्चर वेयरिंग डिफरेंट क्लॉथ्स एंड होल्डिंग डिफरेंट कलर्ड फ्लैग, दीज डिफरेंसेस शोज देयर नेशनल आइडेंटिटीज़। स्टूडेंट्स, आपको इनकी डिफरेंसेस का पता चल गया है कि इनके ड्रेसेस शलवार कमीज और दुपट्टा ओढ़ा हुआ है बच्चों ने, स्कार्फ लिया हुआ है। इसी तरह से चाइना में स्कार्फ इन्होंने नहीं, कैप ली हुई है और रेड कलर का फ्लैग लिया हुआ है। इट मीन्स ये चाइना, ये पिक्चर चाइना के स्टूडेंट्स की है, चिल्ड्रंस की है, और ये हमारे पाकिस्तानी चिल्ड्रंस की पिक्चर है।
ठीक है स्टूडेंट्स, आर कंट्री हैज़ इट्स ओन नेशनल सिंबल्स, नेशनल हीरोज एंड अदर यूनिक थिंग्स दैट मेक अप इट्स नेशनल आइडेंटिटी, लाइक ऑल नेशन पाकिस्तान हैज़ इट्स ओन नेशनल आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स, जैसे पाकिस्तान की एक नेशनल आइडेंटिटी है, इसी तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ की, दूसरी कंट्रीज़ की, अदर कंट्रीज़ की नेशनलिटी है। सो कम टू द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज नंबर इज टू। जी स्टूडेंट्स, हम पाकिस्तान के कुछ सिंबल्स के बारे में पढ़ने लगे हैं कि पाकिस्तान की रिकॉग्नाइजेशन किन सिंबल्स को देखकर होती है। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास सिंबल कौन सा है, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। सबसे पहला हमारे पास सिंबल है नेशनल फ्लैग, कौमी झंडा हमारा, और नेशनल एंथम। नेशनल एंथम स्टूडेंट्स, आपको पता है ना कौन सा होता है नेशनल एंथम, पाक सरजमीन शाद बाग, ठीक है। द पाकिस्तानी फ्लैग इज़ ग्रीन एंड वाइट विद अ क्रीसेंट एंड अ स्टार। द ग्रीन पार्ट रिप्रेजेंट्स द मुस्लिम्स एंड द वाइट पार्ट रिप्रेजेंट्स द नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन। द क्रीसेंट एंड द स्टार आर सिंबल्स ऑफ प्रोग्रेस एंड लाइट आर नेशनल एंथम। पाक सर जमीन शाद बाग इज़ अ प्रेयर फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान। It was written by the famous poet Hafiz Jalandhari. We sing it with pride to show love and respect for our country. Students, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पाकिस्तानी फ्लैग में टू कलर्स होते हैं, दैट इज़ वाइट एंड ग्रीन। वाइट कलर जो है वो नॉन मुस्लिम्स को शो करवाता है और ग्रीन कलर मुस्लिम्स को शो करवाता है। लेकिन इसके अंदर जो क्रीसेंट है, क्रीसेंट जो है वो प्रोग्रेस को और लाइट को शो करवाता है। किसको शो करवाता है, वेरी गुड लाइट एंड प्रोग्रेस को स्टूडेंट्स। और हमारे पास जो नेशनल एंथम है, नेशनल एंथम किसने राइट किया है, वेरी गुड हफीज़ जलंधरी ने नेशनल एंथम राइट किया था, जो कि हम उसको सिंग करते हैं, गाते हैं फ़ख्र के साथ, मोहब्बत के साथ और बहुत ही इज्जत के साथ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव करते हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 and 3 करना है, जो कि रीडिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ डिस्क्राइब पाकिस्तान फ्लैग, पाकिस्तान के फ्लैग के बारे में डिटेल लिखेंगे आप। नंबर 3 इज़ व्हाई डू वी सिंग आर नेशनल एंथम, हम नेशनल एंथम क्यों सिंग करते हैं, क्यों गाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी हमारी रीडिंग आज की। डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी हुए, क्वेश्चन आंसर्स भी हुए। स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक पर राइट करना है। आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो आपने इसको स्टूडेंट्स आपको नोट्स इसके प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आपने वहाँ से देख कर उसको लर्न करना है क्वेश्चन आंसर्स को, और अपनी नोटबुक पर राइट करना है। नीट एंड क्लीन राइटिंग में करेंगे। आई होप आपको समझ आई है। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।